साथ और जनाब टॉपिक हम अभी डिस्कस कर रहे थे उसे मैं थोड़ा सा आगे भी कंटिन्यू करूंगी, लेकिन आप लोगों को मैं एक मजीद बहुत ही अच्छी और बहुत ही जबरदस्त बात बताऊं कि आज से हमारा एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है जो आप देख सकेंगे मंडे टू फ्राइडे 7 to 8 डेली हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर साहब, उनका तारुफ मैं बिल्कुल करवाती हूँ, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारा जो आज का टॉपिक या हम डेली लेकर चलेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, इन दिनों में आपको बहुत अवेयरनेस मिल सकेगी अबाउट योर हेल्थ, किस तरीके से आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, या जो हमारी सेहत के साथ या जो दूसरे ब्यूटी प्रॉब्लम्स या हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो आज जो मैं थोड़ा सा गुस्से वाला डिस्कस कर रही थी वो भी मैं पूछूंगी, और मैं आपको बता दूं अब लेकर चलूं अपने सेगमेंट की तरफ जो कि अब आप डेली देख सकेंगे मंडे टू फ्राइडे। तो ये जो सेगमेंट होगा अल्टरनेटिव मेडिसिन विद डॉक्टर अब्दुल समद, तो मैं मिलवाती हूँ आपको बहुत ही आपके जाने पहचाने और बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज पहला प्रोग्राम है तो जी अल्लाह से शुक्र करनी चाहिए और अल्लाह को याद करनी चाहिए। तो आज जो है मुझे बड़ी खुशी है कि मैं तकरीबन कितना साल बाद मैं वाइब टीवी को ज्वाइन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत कैसा लग रहा है डॉक्टर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के जो नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया मैनेजमेंट का, शुक्रिया आपका, शुक्रिया मैनेजमेंट का, शुक्रिया तमाम का। तो बहुत बहुत अच्छे, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें जो डिस्कस करनी है आज, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास हर रोज एक टॉपिक होगा, हम बात करते रहेंगे। लेकिन जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन मैंने करवाया है अल्टरनेटिव मेडिसिन, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये है क्या, ताकि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस भी मिल जाए और फिर हम कॉल्स भी शामिल करते रहेंगे। जी बिल्कुल, अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है, एक अल्टरनेटिव मेडिसिन ये है कि मेडिकल से हट के एक दूसरा तरीका इलाज, ठीक है, मेडिकल से हट के कोई एक दूसरा अल्टरनेटिव तरीका इलाज, यानी उसे मेडिकल से हट के है, नेचुरल तरीका इलाज। अगर ऐसा होता है कि जैसे कि किसी को कोई प्रॉब्लम सर में दर्द है या उसको फ्लू हो रहा है या टेम्परेचर है, और अगर वो मतलब कुछ इस तरह की मेडिसिन वगैरह नहीं लेना चाहते, तो उसके बजाय उन्हें क्या तरीका कार करना चाहिए, कौन सा इलाज करना चाहिए, ये इस तरह कहेंगे? बिल्कुल, आज कल अल्टरनेटिव मेडिसिन बेहतर ये है कि इसके यानी मुझे असरात कम होते हैं, ठीक है, या कुछ ना होने के बराबर होते हैं, कुछ का तो होते ही है, मगर जो मेडिसिन है उससे कम होते हैं, जो एलोपैथिक है उससे कम होते हैं। तो उस वजह से लोग ज्यादा तजवीज़ करते हैं एलोपैथिक तरीके की, हट के कुछ तरीकों को अपनाते हैं, इसे अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं। जबरदस्त। अच्छा अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, आप डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। टॉपिक आज मैं बताते हैं डॉक्टर साहब अभी हमें कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो कोशिश यही कीजिएगा कि जो आपकी कॉल्स हैं तो वो इसी टॉपिक से रिलेटेड हो, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, आपकी मालूमात में भी इजाफा हो जाए। तो ये डॉक्टर साहब अभी आपको बताएंगे, तो प्लीज पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा ऐसी वैसी बातें करके मतलब टाइम जाया कर देते हैं, तो ज्यादा अच्छी बात यही है कि हम उस टॉपिक को लेकर चले जो आप लोगों के लिए आज हमारे इस फर्स्ट शो में। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, आज इंशाल्लाह हम अल्टरनेटिव मेडिसिन पे बात करते रहेंगे, ठीक है, और कुछ थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों को जरूरी है कि लोग जो समझ लें कि अल्टरनेटिव मेडिसिन है क्या, क्योंकि इसका नॉलेज बड़ा जरूरी है लोगों के पास होना चाहिए। देखिए कभी कभी छोटी पोटी तरीका हम अपनाते हैं, बड़ी सी बड़ी बीमारी या बड़ी मुसीबत से निजात मिलते हैं, वो होते घरेलवी जो टोटके होते हैं, घर में जो हम कुछ करते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, इलाज होते हैं। देखिए अल्लाह ने हर तरीके, हर बीमारी का इलाज का तरीका कहीं ना कहीं रखा है, मगर हमें नहीं पता उस चीज़ का। तो इस वजह से हमें ये चाहिए कि हम थोड़ा सा मुतलाशी हो, थोड़े से हम इस प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें बताएंगे कि नेचुरल तरीके से, अल्टरनेटिव तरीके से कोई कैसे इलाज कर सके।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मुझे भी पता चल गया और हमारी व्यूअर्स को भी पता चल गया कि अल्टरनेटिव मेडिसिंस के जरिए किस तरह से इलाज किया जा सकता है। अच्छा मतलब ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिंस हैं, अब कोई सीख रहा है या कुछ जो सीखना चाहते हैं, एक तरह का ये इल्म है, ये एक तरह का इल्म है, ठीक है, तो ये किस तरह से हासिल किया जाए या किस तरीके से पढ़ा जाए? यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया जाता है और हमारे पाकिस्तान में हमारे इंस्टीट्यूट है जिल साइंसेस इंस्टीट्यूट, ठीक है, हम सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन के, बाकायदा पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है जी। इसके सब्जेक्ट्स इनके स्कूल्स है, स्कूल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, स्कूल ऑफ हीलिंग एनर्जी, स्कूल ऑफ माइंड साइंसेस, स्कूल ऑफ योगा है, स्कूल ऑफ मेडिटेशन है, स्कूल ऑफ मैग्नम पावर है। अच्छा, ये इनके स्कूल्स है, फिर उसके अपने अपने सब्जेक्ट्स है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अल्टरनेटिव मेडिसिन है, उसकी रिफ्लेक्सोलॉजी है, एक्यूप्रेशर है, जोन थेरेपी है, एक्यूपंचर है, उसमें अलग अलग, फिर इस सब्जेक्ट्स में भी अलग अलग आते हैं। डॉक्टर साहब, कॉलर्स को भी साथ साथ रहते लेते रहेंगे, मैं शामिल करूँ कॉलर? बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं, इजाजत है, बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआओं, बहुत सारे प्यार के साथ आपको डॉक्टर अब्दुल समद को वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बताइए कैसी हैं आप? बस तबीयत ही सही नहीं है, मेरा बच्चा। ओए है, क्या हुआ फरजान? ये हमारी रेगुलर कॉलर है फरजान। अच्छा 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 जी, क्या हुआ? ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, इतना हो जाता है कि चक्कर आने लगते हैं और कभी कभी हाथ में उतनी खून हो जाते हैं, पानी मुझे ज्यादा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बजा रहा है, कुछ लो हो जाता है, बहुत सारी गोली खाने की समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बीपी लो हो जाते हैं, हाई हो जाता है डॉक्टर, हाई हो जाता है, हाई हो जाता है कह रही है, चक्कर भी आने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, जाहिर है बीपी से तो चक्कर आने लगते हैं, सर में अजीब गरीब से एक आवाज आती हैं और घबराहट होती है, स्ट्रेस है और आपको जो है ना एक दबाव है सर पे, हाँ आपको स्ट्रेस है, दबाव दबाव फील होता है? जी जी, दबाव कितना एक तरफ का होता है और वो सर को ना कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, मतलब इस वक्त ये बहुत ज्यादा एक ज़हनी दबाव होता है कि आपको समझ भी नहीं आ रहा कि अब क्या करें। ठीक है फरजाना, हम आपको ऑन एयर बताते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। देखिए मेडिटेशन करें, थोड़े से मेडिटेशन का तरीका मैं बता देता हूँ। गहरी गहरी सांस ले, आराम से बैठ जाए और गहरी गहरी सांस ले, अपनी तवज्जो को एक ऐसे मंजर पे, एक ऐसे मंजर को तसव्वुर करें, एक ऐसी प्लेस को तसव्वुर करें जो आपको पसंदीदा है, जो आपको पसंद है जी। और एक बेहतरीन तरीका एक और कि नमाज जो है एक बेहतरीन है, नमाज जो पांच वक्त की नमाज, हाँ अगर नहीं तवज्जो से पढ़े, तवज्जो से पढ़ता तो हर कोई है, तवज्जो मतलब कि जो पढ़ रहे हैं उसका भी एहसास करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन का, नमाज अगर तवज्जो से है तो इसमें बड़ा अच्छा सुकून, जहनी सुकून मिलते हैं, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं, मगर ये ब्लड प्रेशर थोड़ा सा जो सेंसिटिव मसला है तो आपको डॉक्टर को साथ साथ इस तरीका जो मैंने बताया, इस तरीके को अपनाते हुए साथ साथ डॉक्टर को जरूर चेक करवाएं, ये जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ये कह लें, देखिए ना कि आपने जो कहा कि जहनी दबाव है, वो जहनी दबाव डॉक्टर साहब ने जो बताया बाकी उससे खत्म करने के लिए कितना ज्यादा अहम साबित हो सकता है। खुराक में से अगर आप कोई चीज मसल फूड में से लेना चाहते हैं, शाम को दही लें, बड़े अच्छे हैं कि नींद भी अच्छे आते हैं, और सुबह सुबह हो सकता है कि वजह क्या है, किसी आपको स्ट्रेस की वजह से है, कोई और तकलीफ है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने के बहुत से वजूहात, बहुत सारी वजूहात होती है, तो ये भी उस कॉज का भी पता है, उस वजह का पता लगाना जरूरी है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अपना नाम बताइए। मैं इकरा बात कर रही हूं मुल्तान से। मुल्तान से इकरा, इकरा जल्दी से बताओ क्या पूछना चाहोगे आप? ये मैं अपना पूछना चाहती हूं, मेरे सर में बहुत दर्द होता है और मैं मेडिसिन भी लेती हूं, फिर भी मेरा सर का दर्द ठीक नहीं होता है। डॉक्टर साहब से कहें कुछ ऐसा मसला बताया जिससे मेरा दर्द ठीक हो जाए। सबके सर में दर्द? अच्छा अच्छा अच्छा। बाजू के सर मोहन में बहुत दर्द है, उनके भी सर में। आप अपनी एज भी बताएं डॉक्टर साहब। एज बताएं, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 साल है। 17 साल? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कब से हो रहा है, तकरीबन कितना अरसे से हो रहे? ये तो मुझे 2 साल हो गए। अच्छा 2 साल हो गए। डॉक्टर से चेकअप करवाया एलोपैथिक? हाँ जी, मैं चेकअप भी करवाया। तो फिर क्या कहते हैं? अच्छा बच्चे आप देखिए, आपके जो आईज है, आईज सही है, चेक करवाया आईज के? हाँ जी, आईज भी ठीक है। अच्छा ठीक है बिल्कुल। हाँ जी,
डॉक्टर साहब ने कहा था ये मेडिसिन खाते रहे आपको थोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन बहुत साल हो गए ये ठीक ही नहीं हो रहे मेरे सर के दर्द। ठीक है नहीं हो रहा, लेकिन ठीक होते फिर दोबारा शुरू हो जाते मेरे सर में दर्द। अच्छा चलो इतना बिल्कुल परेशान मत हो, टेंशन मत लो, उम्र भी कम है इकरा की, डॉक्टर साहब क्या बनाएंगे। देखिए वो जो हाथ का पता होना जरूरी है, मगर मैं नेचुरल तरीके से कुदरती तरीके से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा पानी ज्यादा पिया करें, और नींद का मैंने पूछा नहीं आपके, आराम का कौन सा टाइम है और कैसा है, जिस तरह के कुछ होता है ना कि रात को उन्होंने जागना होता है दिन को सोना होता है, तो उस सूरत में भी सर में दर्द आ सकता है, या नींद का कभी कभी बच्चों पे इतना प्रेशर है स्टडीज के पढ़ाई वगैरह की, हो सकता है उसकी नींद पूरी ना हो, कोई ऐसा मसला हो सकता है, या कोई भी वजह, क्योंकि सर का दर्द का वजह होते हैं, बच्ची स्ट्रेस में है, कोई डिप्रेशन तो नहीं है बच्ची को, कोई ये चीजें देखना पड़ता है। मगर ओवरऑल जो भी है, मेडिटेशन अच्छी चीज है, इबादत बेहतरीन तरीका है, और अगर थोड़ा बहुत सुबह सुबह उठ के मकसद थोड़ा एक्सरसाइज करें तो ये बेहतरीन है। डीप ब्रीदिंग सुबह सुबह, डीप ब्रेथ जो है, ये बड़ी जबरदस्त सांस लें, कमर गर्दन सीधा करके आराम से बैठ जाए आप, आंखें बंद करें, गहरा सांस नाक से लें, फेफड़े भर जाएं खूब, उसको रुक के रखें फिर छोड़ दें, इस तरह मिनिमम चार बार करें, इंशाल्लाह ये चीज अगर है तो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। और वजह का देखें डॉक्टर साहब बार बार बता रहे हैं आपको कि वजह अभी पता करना बहुत जरूरी है। एक और मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं डॉक्टर साहब से बात करने के, लेकिन हमारे कॉलर अब बेचैन है कि जी बस डॉक्टर साहब से बात करनी। डॉक्टर साहब देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तो मना कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना नाम बताइए। ओके, क्या कहना चाहेंगी? मैं प्रोग्राम के ऊपर आपका टॉपिक है कि इंसान को गुस्सा आउज़ुबिल्लाह पीनी चाहिए, गुस्सा खुद ठंडा हो जाएगा। और बात ये कि मुझे जो है वो डॉक्टर साहब की बात पूछनी है। जी जी। मुझे जो है वो माइल्ड अर्थराइटिस है, वो जो है सर्दियों में मेरी जो पेन है ना नी में वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से ना मेरे अब 15 मिनट की अगर मैं बैठ जाऊँ तो मेरी जो लेग में उसने नमनेस हो जाती है। लेग में क्या प्रॉब्लम, क्या बताएं? लेग में क्या होता है? नी में ना मेरे पेन रहता है। पेन अच्छा, रहता नी है। में पेन रहता है, ठीक है। दोनों नीज में कि एक में? नहीं, मेरे दोनों नीज में रहता है। अच्छा अच्छा। कभी सर की वजह से एक में ज्यादा होता है, कभी दूसरे में ज्यादा होता है, लेकिन रहता दोनों में। कमर में तो नहीं है प्रॉब्लम? कमर में कभी कभार हो जाती है, इतना ज्यादा नहीं है लेकिन हो जाती है। वजन कितना है? वजन तो मेरा जो है वो 18 pounds है। यानी और कद कितने हैं आपके? 5'7" है। 5'7" 5'7" है और 80 है। अच्छा अच्छा, कितने है? सॉरी 118, ठीक है। अच्छा, एज क्या है? मेरी 35, ठीक है, मैं बताता हूँ आप, ठीक है, आपको ऑन एयर बताते हैं जी। डॉक्टर साहब क्या मसला होगा? अच्छा, 35 में तो ये मसाइल थोड़े सी बाद में शुरू होता है, मगर इनको थोड़ा सा जल्दी फील हो रहा है। डॉक्टर साहब मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर इन्हें बताते हैं, फिर ये नोट भी कर लेंगे कि नहीं क्या क्या करना, ठीक है। आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं क्योंकि हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल समद, तो मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। इवनिंग लाउंज, और जनाब हमारा ये जबरदस्त सेगमेंट देख रहे हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन विद डॉक्टर अब्दुल समद। डॉक्टर अब्दुल समद से सवाल हुआ था ब्रेक से पहले, डॉक्टर साहब आपने पूरी उनकी केस हिस्ट्री भी सुनी है कि उनको नीज में भी पेन रहता है, वेट भी आपको पता है, तो अब क्या बताएंगे उनके लिए आप? हाँ, जो ये क्योंकि ये घुटनों की जो प्रॉब्लम है आजकल बहुत आम हो गए हैं, ठीक है, इन्हें चाहिए कि थोड़ी तो जो चकनाई है, जो चकनी चीजें जो होती है ना, अच्छा उसे कम करें, चकनाई को कम करें, गुजार में ना खाएं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनाते हैं।
क्योंकि वो चिकनाई वगैरह जो भी होती है ना, चिकनी चीजें हमें बहुत ही खराब कर देते हैं इंसान के बॉडी को, हर चीज को एक खराब, सेहतमंद इंसान को भी खराब बहुत कर बहुत देते हैं। ये और दूसरी बात है, स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि स्ट्रेस से भी इंसान को होती हैं ये प्रॉब्लम्स है ना, ज्वाइंट पेन। हाँ, और वजन को थोड़ा सा कम कर ले, क्योंकि आपके वजन ज्यादा है अभी, आपको वजन कम करनी चाहिए। तो ये चीजें है, ये इसमें होता है, और ये करके तो बिल्कुल क्योर हो जाता है। और यानी ऐसे गजाएं इस्तेमाल करें, फल सब्जियों को इस्तेमाल करें, खुद इन्हें बेहतर फील होगा कुछ दिन तक ये करती रहें तो। और साथ ही ऑयली ऑयल लेके वहां पर खूब जो है ना मसाज करें रात को, रात को, और हाँ थोड़ा सा गर्म रखें तो ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, एक बात मैं पूछना चाहूंगी, हमारे व्यूअर्स इतने सारे लोग देख रहे हैं, किसी भी चीज का मेरे ख्याल रिजल्ट फौरन नहीं मिलता कि कोई भी हम इलाज करें और अगले दिन हमें मिले, हमें एक अपनी पाबंदी बना लेनी चाहिए, हमें इलाज के साथ बिल्कुल सिंसियर होकर उसके साथ करना चाहिए। अगर हम इलाज कर रहे हैं तो हमें जो बताया गया हम पूरे दिल के साथ करें। बिल्कुल दिल के साथ करें, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है ना। असल बात ये है ना कि हमारे कौम में लोगों को जल्दी चाहिए हर चीज, हर चीज यूं चाहिए, अगर ना मिले तो बस मायूस रहे, मायूस हो जाएंगे, और मेहनत ना करना पड़े, कोई काम ना करना पड़े। यही वजह है कि यहाँ पर जो स्ट्रेस लेवल है बढ़ रहा है, बेकारी बढ़ रही है, मेहनत नहीं करनी और चाहिए भी सब कुछ, बिल्कुल तो ये चीज तो अपनी जिंदगी से खत्म करनी पड़ेगी ना। थोड़ा सा कुछ चीजों पे टाइम लगते हैं, और अगर इलाज करने है तो इसे मायूस नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर अल्टरनेटिव मेडिसिन ऐसे जो फौरन असर करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे और रिजल्ट मिलता है, इसके नुकसान नहीं होते इतने ज्यादा, और बल्कि दिल को सुकून मिल रहा है और ज़हनी आप जो है वो भी मुतमइन। और एक कॉलर भी हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अपना नाम बताइए। मैं फरजीन बोल रही हूँ। कहाँ से? मुल्तान से। मुल्तान से जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं पहले ये कहना चाहती हूँ आप बहुत अच्छी लग रही है, बहुत शुक्रिया। और मैंने ये पूछा है मेरे कमर में और मुंडे में बहुत दर्द होता है, कमर में और शोल्डर में। अच्छा ठीक है, आपकी उम्र कितनी है डॉक्टर साहब को बताइए? मेरी उम्र 19 साल है। 19 साल, 19 साल है जी। जी बहुत अच्छा, ठीक है। शोल्डर्स में, शोल्डर्स में और कमर में भी वीकनेस होती है ना, खिंचाव है जी, खिंचाव कमर में भी है, ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, चले आपको बताते हैं जी। बात यह है कि इनको इस उम्र में होते हैं बच्चों को, यानी इस उम्र में ज्यादातर हम पे दबाव ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंधों के कमजोरी ये होता है कि छाव होता है थोड़ा सा। अच्छा। और कमर में दर्द, लास्ट मोरे में बिल्कुल दर्द। अच्छा, क्योंकि बच्चे इस उम्र में लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में मुफ्तला होते, थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा होते हैं, सोचते हैं अपनी, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा। लोग समझते हैं कि शायद लोग बड़े हो के तो स्ट्रेस लेवल ज्यादा होंगे उनके, ज्यादा जिंदगी को जो है ना वो खराब होंगे, मगर जो रिसर्च हुआ है, रिसर्च के मुताबिक इन जो कम एज के जो लोग हैं उनमें ज्यादा स्ट्रेस होते हैं, ज्यादा परेशानी होते हैं, जिंदगी को ज्यादा ज्यादा एंजॉय नहीं कर सकते हैं ज्यादा। जो बड़ी उम्र के हो जाते हैं तो वो जिंदगी वो एंजॉय करते हैं, ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर साहब से मैं जो सवाल पूछ रही थी, डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे और मैं जाती हूँ कि ये पूरा अल्टरनेटिव मेडिसिन का जो हम पूरे स्कूल्स भी उन्होंने बताए और इसके साथ साथ जिनके सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं मालूम करना चाहती हूँ। तो एक सवाल तो ये कि डॉक्टर साहब आपने इतने सारे स्कूल्स का एक बताया, तो मैं से एक पढ़ी थी कि स्कूल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन इसके भी सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में भी डिटेल लेना चाहूंगी, लेकिन एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। देखिए ना, मेरा नाम सलमान रजा है, कराची से बात कर रहा हूँ। ओके सलमान, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि जो ऑल्टरनेट मेडिसिन की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मतलब ये मिरेकल लगता है आजकल के दौर में जहाँ पे इतनी महंगी दवाएं हैं और सब जितना मुश्किल वो उनको अफोर्ड करना है इलाज को, वहाँ पे एक बगैर किसी साइड इफेक्ट वाली एक ऐसा इलाज बता रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा जल्दी, जिसका रिस्पांस भी है और मुफ्त, मतलब साइड इफेक्ट के बगैर है, साइड इफेक्ट के बगैर है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये मैं तो शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा वाइट टाइप का, वाई वालों का, कि इन लोगों ने, वाई वालों ने इतना अच्छा एक प्रोग्राम लोगों के लिए किया और इससे यकीनन हमारी पसंद में भी इजाफा होता है इनके साथ।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तो डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया कि वो आते हैं और इस कदर बताते हैं। उसके बाद मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर ये कोई सीखना चाहे इस सिलसिले में तो कहाँ पे रास्ता करें और किस तरह से इसको और बढ़ा सकते हैं ताकि बहुत ज्यादा लोग इससे फायदा उठाए और ज्यादा लोग फायदा। चलें, आपका इतना अच्छा सवाल है सलमान मिर्जा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं भी सबकी तरह से कि आप हमारे साथ हैं और लोगों को बाकी आज के दौर में इतना अच्छा कि आप घर में बैठकर भी अपने आपको खुद को ज़हनी सुकून भी दे बिल्कुल, सके। बिल्कुल। डॉक्टर इनका सवाल है कि कैसे लोग अगर सीखना सकते? चाहते हैं तो देखिए हमारे इंस्टीट्यूट है तकरीबन इनको हमारे इंस्टीट्यूट को कोई 15 साल हो गए कि हम यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और उस पर हमने तहरीरें की है, बुक्स भी लिखी हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत से लोगों ने इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और लोग आ रहे हैं और सीखने आते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन। फिर हमारे सेशंस भी होते हैं, कुछ हम सेशंस रखते हैं यहाँ इस्लामाबाद, कराची और पाकिस्तान के लाहौर, हम मुख्तलिफ शहरों में हम सेशंस रखते हैं, हीलिंग सेशंस रखते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ फिर लेक्चर्स देते हैं हम तकरीबन, हमारे जो हीलिंग सेशंस होती है उसमें फिर बताते हैं उनको, गाइड करते हैं उनको, हील करते हैं बाकायदा। तो ये आप किसी भी शहर में किसी भी जगह हम सिखाते हैं और आप सीख सकते राप्ता हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप डॉक्टर साहब से। और इसके साथ ही कॉलर भी हमारे साथ है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ये जल्दी से सिर्फ ये सवाल करना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब मतलब इसमें हर एज ग्रुप आ सकते हैं जो सीखना चाह रहे हैं, तो उसमें एज ग्रुप का थोड़ा ये तो नहीं होता कि नहीं, नहीं, कोई किसी भी एज पे बच्चे होते हैं, बच्चे भी सीखना चाहे छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे। ठीक है, मैं सीखना ये नहीं होता है, ये हीलिंग सेशंस होती है। ठीक, सिखाने का वो फिर अलग सा ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये हीलिंग सेशंस जो है ये हर कोई बिल्कुल जो हीलिंग सेशंस होती है, ये हीलिंग सेशन हमारी लाहौर, इस्लामाबाद और इस जगह पे पीसी होटल में हम करते हैं ज्यादातर, और कराची में इंस्टीट्यूट में भी होते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में जील साइंसेस इंस्टीट्यूट में होते हैं, हीलिंग सेशंस होते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। मिसेज इम्तियाज बोल रही हूँ। मिसेज इम्तियाज, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं अपने बारे में पूछने, एक तो शुगर बहुत हाई रहती है और घबराहट बहुत होती है मुझे। अच्छा, और उसके बाद ये दूसरी बात ये कि मुझे पस बहुत आती है, इतनी कि बेनतहा घबराहट होने लगती है उसमें। अच्छा। तो ऐसा नुकसान आप लोग बताएंगे, मेरी घबराहट भी कम? नहीं नहीं, इंशाल्लाह मिसेस इम्तियाज बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, अगर आपसे डॉक्टर साहब कोई सवाल इनसे करना चाहेंगे आप? जी ठीक है, मैं समझ ये बता दें। चलो आपको ऑन ईयर बता देते हैं। देखिए शुगर है तो जाहिर है घबराहट थोड़ा बहुत होती है, शुगर है और कितने लेवल पे है कैसा है, तो मैं कलर थेरेपी से एक तरीका आपको बताऊं। ग्रीन कलर होते हैं, थोड़े से खाने के कलर आप लें, एक बॉटल में डाल दें, एक कतरा सिर्फ ग्रीन, ग्रीन कलर, ग्रीन, अच्छा। ग्रीन कलर बहुत अच्छा है शुगर को कम करने में, शुगर को मदद बिल्कुल, और ये जो घबराहट है ये भी कम करते हैं। और ब्लू कलर भी अच्छा है मगर ग्रीन कलर चूंकि शुगर है इनको घबराहट के साथ साथ ये दूर हो जाता है। यानी आप इस तरह करें कि सिर्फ सुबह आपने एक गिलास पानी में, अगर आपने एक गिलास पानी आपने ले लिया उसको 3 टाइम पे कर दो, सुबह दोपहर शाम, एक गिलास पानी को, यानी कलर वाले यानी 3 हिस्से कर दे, इसे कर दे बिल्कुल, बहुत बहुत जबरदस्त असर करता है। बहुत से ऐसे लोगों के प्रॉब्लम्स क्योर हो गए, मगर शुगर हो सकता है थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाए या बिल्कुल कंट्रोल हो जाए, मगर शुगर का जो आप जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसको साथ साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बात कहूँ कि शुगर के खौफ बहुत बुरी चीज होते हैं, ये खौफ में जब इंसान मुफ्तला होता है तो उसको क्लियर करनी चाहिए कि खौफ जो है ना इस चीज से, तो जो अल्लाह ने जो मेरे पे मुफ्तला किए है तो उनको फेस करना है, किसी तरीका ढूंढना है, बिल्कुल, और स्ट्रेस लेवल को कम करनी है। ठीक है तो शुगर पे इंशाल्लाह कंट्रोल पाएगा, इंशाल्लाह इस पे मजीद डिस्कस भी करते हैं, साथ साथ एक ब्रेक भी है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ साथ रहेगा क्योंकि अभी आपके बहुत सारे और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं और आपकी नॉलेज में इजाफा हो सकता है, तो हमारे साथ साथ रहे।
आपके साथ साथ डॉक्टर अब्दुल समद हमारे साथ है मौजूद। आप लोगों के अभी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स शामिल हुए, तो डॉक्टर साहब आपने ज्यादातर जो लोग हैं वो स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन ले रहे हैं, आपने कहा कि उन्हें कम करना चाहिए, तो मेरे ख्याल के डॉक्टर साहब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भी पूरा डिप्रेशन को लेकर लोगों को अवेयरनेस दें कि उन्हें किस तरह से अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इस पे एक प्रोग्राम करेंगे, पूरे के पूरा एक प्रोग्राम होगा डिप्रेशन पे। आजकल बहुत बड़ा मसला है डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस ये बहुत से इंसानों को पता नहीं होता, क्योंकि ऐसे बीमारियां हैं जो नजर नहीं आती, ये नजर नहीं आती बिल्कुल। फिजिकली हम महसूस करते हैं, फिजिकल जो प्रॉब्लम हमें होता है, असल दर्द है तो पता चल गया, बिल्कुल असल होता कोई नफसियाती मसला होता है पीछे। ज्यादातर बीमारियां ऐसे नफसियाती है जो जिस्मानी बन जाते हैं, तो इसे हमें इस पे एक अवेयरनेस जरूरी है, लोगों को समझनी चाहिए कि डिप्रेशन होता क्या है, स्ट्रेस क्या होते हैं, और जो खौफ में मुब्तला लोग होते हैं वो खौफ क्या होते हैं, इस चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए ज़िंदगी में। तो डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि फिर हम अपना अगला प्रोग्राम डिप्रेशन पे ही रखें, लाजमी डिप्रेशन पे रखें, मंडे को इंशाल्लाह कि जब हमारा प्रोग्राम होगा 7 to 8 की टाइमिंग्स आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों के प्रोग्राम को इंशाल्लाह कर, बिल्कुल मंडे को हम ये रखते हैं, तो आप लोगों के लिए बड़ा मतलब अच्छा होगा, क्योंकि डिप्रेशन डॉक्टर साहब ने कहा कि एक यंग एज मोटापा के, बिल्कुल अभी बल्कि हम मोटापा, फिर इंशाल्लाह संडे कल जो है वो हम संडे को मोटापा और फिर मंडे को हम डिप्रेशन, मंडे को डिप्रेशन करते, तो ये जरूर जरूर देखो मोटापे के नाम पे हो गए ना आप लोग बिल्कुल अलर्ट कि ये देखो हमारे बारे में बताने वाले, तो जरूर संडे को आप ये प्रोग्राम हमारा देखिएगा। वेट कंट्रोल इंतहाई जरूरी चीज़ है, यही तो बीमारियों की, हाँ वेट कंट्रोल अगर हम करते हैं तो हम अपने सलाइतों को भी कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जो है ना माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जब एक बार इंसान ने अपने वजन कम कर दिए, उन्हें बहुत बड़ा के वो शीशे में देखते हैं कि देखे मेरा शेप ये था और अब ये हो गया, अब ये हो गया है, ये बहुत बड़ा चेंज होता है। और एक ऐसे प्रोग्राम इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम रखेंगे कि 100% लोग तैयार हो जाएंगे उसके लिए, जो मैं बताऊंगा कि वो वजन इंशाल्लाह कम करेंगे, तरीके ऐसे बताऊंगा कि वो मजबूर हो के वो वजन कम करेंगे, लोग बस चाहेंगे कि हमारा वजन कम हो जाए, लेकिन आप अपनी एक तस्वीर जरूर ऐसी बना लीजिएगा कि आपकी एक ऐसी स्नैप होनी चाहिए कि जो आपकी बिल्कुल मोटापे में, ठीक है, मोटा मोटा, आप उसको देखते रहो और आपका दिल चाहे नहीं नहीं, नहीं 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 मुझे कम होना है, हर वक्त जब उसको देखते हैं कि जरूर गेव होता है तो। और दूसरी बात ये है कि एक स्लिम सा एक मॉडल की पिक्चर लगाएं, बड़े स्लिम या अनागल पिक्चर लगाएं, लेकिन ये कि फिर उसको देखते हुए कि मुझे ऐसा ही बनना है तो फिर होता है ना, और मर्द हजरात मेरी पिक्चर लगा रहे क्या? एक कॉलर भी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई, हाँ जी लाइन ड्रॉप हो गए। डॉक्टर साहब देखें कि मैं आपको बताऊं, सीरियसली जो आपने बात की है, माशाल्लाह माशाल्लाह आपने देखे अपने आप को इतना फिट रखे, तो उसके लिए देखिए आपने सोचा हुआ है ना कि मुझे रखना है, हमारे फिटनेस और जो है इस तरह सेहतमंद रहना फर्ज बनते हैं, हमारे एक इबादत में शामिल है कि हमें अपने आप को फिट रखना है, बेहतर रखना है, सेहतमंद रखना है, एक्टिव रखना है, क्योंकि हमारा फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम लोगों को टीच करते हैं, लोगों की हीलिंग करते हैं, इलाज करते हैं लोगों के, तो हमारे भी वो सेहत का होना बहुत जरूरी होता है। कि लोग जब देखेंगे अगर ये बता रहे हैं तो इनका वजन तो ज्यादा है, हमें कैसे बता रहे हैं, तो माशाल्लाह देखें ना कि आपको जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं तो खुद को अपने आप को खुद उन्होंने रखा है, कंट्रोल किया हुआ है, कंट्रोल करना पड़ता है, तरीका आते हैं ना, जब तरीका इंसान को आते हैं तो हर चीज को कंट्रोल कर पॉसिबल है, बहुत सी चीजों में तरीके अगर आपको आते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। अब इमोशंस पे लोग कंट्रोल नहीं होती है, या मकसद भूख पे कंट्रोल नहीं होती है, उसको गुस्से पे कंट्रोल नहीं होती है, तो इस चीजों पे जब कंट्रोल नहीं होता है इंसान के लाइफ में बड़ी हर्डल्स आते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स आते हैं जी। और इंसान ऐसा हवा में तीर मारने वाले तीर होते हैं, जहां से टकराए वहां से टकराते वहां से हो जाए, लेकिन देखो कि बिल्कुल ये जो सारी चीजें ना हमारे कंट्रोल पर होती है, जैसे मैं आप लोगों से आज कह रही थी ना गुस्सा,
तो ये भी कंट्रोल में, मतलब हमारी जो खसूसियात है, अल्लाह ताला ने जो हमारी नेचर बनाई है, उन सब में कंट्रोल हमें करना है। तो सारी फितरी चीजें, लेकिन कंट्रोल हमें करना है और ये बहुत जरूरी है। तो जरूर आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह डॉक्टर अब्दुल समद हमारे साथ रहेंगे। और ये जो आज हम बात कर रहे थे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, इंशाल्लाह हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे माइंड में जो क्वेश्चन है, मैं चाहूंगी, मैं हमेशा अपने आपको नाजरीन की जगह पर रख के फिर सवाल करती हूँ कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके जहन में क्या चल रहा है। तो हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम में लाजमी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे हम इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम ऐसे प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे जो ऑलरेडी लोगों को तकरीबन सोसाइटी में 90% लोगों को, 95% लोगों को जो प्रॉब्लम्स है, उन पे हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे और अवेयर करेंगे लोगों को और उसका इलाज इंशाल्लाह बता देंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए, और इंशाल्लाह हम आपके साथ साथ रहेंगे और आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, मैं भी उनमें शामिल हूँ। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अना, आपने इन्वाइट किया, आपने बुलाया, थैंक यू वाइब टीम, और थैंक यू अना, तमाम बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और के साथ ही टाइम हो रहा है यहाँ पर खत्म, आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और आज की बात को जरूर याद रखें कि कंट्रोल सब कुछ कर सकते हो, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कहाँ से हो स्ट्रॉन्ग बनना है तो कंट्रोल करना सीखो। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम से और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह से हमारा शो देखते रहे और फीडबैक भी देते रहे। अपनी होस्ट अंडा को इजाजत दें, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय। Vibe, bringing you the latest from fashion, trends, style, music, entertainment. Much more. VG Style Sizzle Buzz and Beyond.